हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा अभ्यास करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोज समय समय पर मिलती रहेगी। और आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का अभ्यास करेंगे कि चीज़ें होते कैसे हैं, और उसके बाद अगली वीडियोज में हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ सवालों को भी हल करेंगे। तो फ्रेंड, एक व्यू लेते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है यूनिट एंड डायमेंशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या हुआ, और उनके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में छूट जाते हैं। तो आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि इससे क्वेश्चन ना छूटे। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वांटिटी है। क्वांटिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हो गया, विस्थापन का जो है सिंबल होता है एस, विस्थापन का सिंबल होता है एस, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। क्योंकि विस्थापन एक तय की गई दूरी होती है फ्रेंड, तय की गई दूरी यानी कि एक दूरी, एक लेंथ तय होती है। तो लेंथ तय होती है, लेंथ का जो शुरू वाला अक्षर वो एल होता है, और इसलिए हम यहाँ पर एल लिखते हैं। अब बात रही फ्रेंड कि यहाँ पे जो है एम जीरो और टी जीरो क्यों लिखा हुआ है और एल पे जीरो नहीं है, तो फ्रेंड इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ लेंथ होती है, इस कारण से जो है सिर्फ एल होगा, एम तो होता नहीं है, इसलिए जो है एम पे क्या हो जाता है, जीरो। उसके बाद टी जो कि टाइम के लिए आता है वो भी नहीं होता है, इसलिए इस पर भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस तरह से इसे हम एम जीरो एल टी जीरो कहेंगे, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ फ्रेंड, उस तरह से आप पढ़ सकते हैं, एम जीरो एल टी जीरो। तो ये हो गया उसका डायमेंशन, यानी उसको बीमा कहेंगे फ्रेंड। ये डायरेक्टली जो है लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं फ्रेंड। आप जान रहे हैं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स आपको देनी है, और ग्रुप डी में साइंस के क्वेश्चन तो होंगे ही। तो फ्रेंड, आप इसका अभ्यास कीजिए और आराम से पढ़िए। उसके बाद कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इसमें एरिया है। अगली क्वांटिटी जो है हमारी वो एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे इसका सिंबल होता है ए, यानी एरिया का जो शुरू वाला वर्ड होगा ए, तो उससे जो है इसका सिंबल बन जाता है ए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एरिया जो है वो आप जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े होंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल गुना बी, तो एल इंटू बी हो गया। उसके बाद ये एल जो है और बी जो है, चूँकि लंबाई गुना चौड़ाई है, तो लंबाई मीन्स कि एक तय की गई दूरी यानी कि एक लेंथ, चौड़ाई भी एक तय की गई दूरी, तो ये भी एक लेंथ। तो चूँकि दोनों लेंथ है, और लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं ना, मीटर में मापते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे देखिए एम, चूँकि एक एल के लिए, ये जो एक एल है और ये दूसरा एल है, इसके लिए एम इंटू एम आया, और इसको एम गुना एम क्या हो जाता है, एम स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट हो गई एम स्क्वायर। अब इसका देखिए यहाँ पे बीमा कैसे बना, तो इसके बीमा की ओर चलते हैं फ्रेंड। तो चूँकि इसमें एम स्क्वायर है, और दोनों इसमें भी लेंथ है, लंबाई और चौड़ाई दोनों लेंथ है, लेंथ होने के कारण जो है इसमें एक एल आया लंबाई के लिए, एक एल आया चौड़ाई के लिए, तो एल इंटू एल हो गया एल स्क्वायर। बाकी आप देख रहे हैं कि एम जीरो क्यों आया, टी क्यों जीरो आया, क्योंकि वो दोनों इसमें मौजूद ही नहीं है, इसलिए एम जीरो टी जीरो हो गया। तो इसकी बीमा हो गई एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं फ्रेंड, एम जीरो एल टू टी जीरो, इस तरह से भी पढ़ा जाता है। तो इस तरह से भी इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं फ्रेंड। चलते हैं अगले क्वांटिटी की ओर। अगली क्वांटिटी है फ्रेंड वेलोसिटी, जिसको कि हम लोग वेग कहते हैं। वेग का सिंबल वी होता है, वी से सूचित करते हैं। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, अब जो है विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन को हम लोग डेल्टा एस लिखते हैं और समय को लिखते हैं डेल्टा टी। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हो गया विस्थापन के लिए। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इसकी एसआई यूनिट कैसे बनेगी। हमें मेन फोकस अपना देना है एसआई यूनिट एंड बीमा पे। तो अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी की बात हम लोग कर रहे थे,
वेलोसिटी की बीमा कैसे बनेगी, हमको बीमा बनाना है। तो डेल्टा एस यानी कि ये एक विस्थापन हो गया, क्योंकि मैंने बोला कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, चूँकि ये विस्थापन है, विस्थापन जो है वो भी एक प्रकार की क्या होती है, तो लेंथ होती है और समय होता है टी। तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ लेंथ है, लेंथ है तो इसके लिए एक एल आया, और नीचे है टी, उसके लिए क्या आया, समय के लिए क्या आया, टी। अब देखिए फ्रेंड, एल तो ठीक है, अब जो यहाँ पे टी आपको दिखाई दे रहा है, इस टी को अगर हम ऊपर की ओर भेजेंगे, ये निश्चित तौर पे टी पे पावर माइनस वन होता है, ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े होंगे। तो एल टी माइनस वन, चूँकि एम वाली क्वांटिटी इसमें भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एल वाली क्वांटिटी, इसको स्क्रीन साफ कर लेता हूँ पहले, एल वाली क्वांटिटी जो है हमारा वॉल्यूम में भी नहीं है, सॉरी फ्रेंड मैं वेलोसिटी को देख रहा था, तो इसमें भी जो है एम वाली क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा एल टी माइनस वन। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड, और फ्रेंड बीच में एक छूट गया था, वॉल्यूम को मैंने छोड़ दिया था, वॉल्यूम को भी देख ही लेते हैं। ये वॉल्यूम जिसको हम लोग आयतन कहते हैं हिंदी में, वॉल्यूम को आयतन, इसको इसका सिंबल हो जाएगा भी, और इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए फ्रेंड, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई है, तो चूंकि ये तीनों, लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, ये तीनों भी तो एक लेंथ ही होता है ना, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, तो चूंकि तीनों लेंथ है, तो अब तो आपको आसानी से समझ में आता होगा कि लंबाई को किससे सूचित करते हैं, मीटर से। तो तीन मीटर हो गया ना, यानी कि एम एम और एम, तो एम इंटू एम अगर करेंगे तो एम का क्यूब हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे एसआई यूनिट में दिख रहा है एम का क्यूब, ये जो है एम का क्यूब, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे एल गुना बी गुना एच है, यहाँ पे एल गुना बी गुना एच है, और ये तीनों भी तो लेंथ है ना, तो यानी कि एल गुना एल, यानी क्या हो जाएगा, जहाँ भी लेंथ आएगा फ्रेंड वहाँ पे एल लेना है आपको, तो क्या हो जाएगा एल का क्यूब। तो यहाँ पे देख सकते हैं एल का क्यूब है, बाकी दोनों जो इधर एम और टी है वो तो इसमें मौजूद ही नहीं है, मौजूद नहीं है, तो वो हो जाएगा जीरो, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एम जीरो एल थ्री टी जीरो, इस तरह से हो गया। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने वेलोसिटी को देख लिया अभी अभी, और ये वेलोसिटी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ये मोमेंटम जिसको कि हम लोग सम वेग कहते हैं, मोमेंटम पी, तो पी का फॉर्मूला होता है पी इंटू एम इन पी इक्वल टू एम गुना भी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, इसको मास इंटू वेलोसिटी कहेंगे। मास होता है फ्रेंड द्रव्यमान, एम बराबर मास, मास बराबर होता है द्रव्यमान, और भी बराबर होता है वेलोसिटी यानी कि वेग, तो इस तरह से, तो पी बराबर एम भी हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड, मास, मास मतलब द्रव्यमान ना, वेट जिसमें हो, तो चूंकि द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं आप, एक किलो दूध खरीदते हैं, किलो लिखते हैं ना, केजी लिखते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे केजी लिख दिए। और वेलोसिटी होता है वेग, वेलोसिटी क्या होता है, वेग होता है, अभी आपने पढ़ा था वेलोसिटी का क्या, एम इंटू एस, यानी कि एम बाय एस, एम इंटू एस नहीं है फ्रेंड, एम बाय एस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, किसको, वेलोसिटी को, सॉरी मोमेंटम में हम लोग पढ़ रहे थे, तो के जी एम बाय एस है ना, एम बाय एस। अब फ्रेंड इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, के जी एम तो रहेगा ही, एम तो रहेगा ही, और ये एस जो है वो एस माइनस वन हो जाएगा। अब इसको अगर डायमेंशन के रूप में, बीमा के रूप में लिखा जाए फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे चूँकि के जी आ गया ना, अब यहाँ पे देखिए के जी आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वीडियो बनता है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि हैंड से इसमें लिखना होता है, हाथ से लिखना होता है। देखिए फ्रेंड, फिर से पी बराबर होता है एम गुना बी, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास होता है के जी, और ये जो भी है, अभी आपने वेलोसिटी का पढ़ा था ना यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर
मीटर पर सेकंड को डायरेक्टली लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड इस तरह से। अब देखिए केजी का क्या होता है, केजी तो एक मास है ना, इसलिए इसके लिए एम प्रयोग करेंगे, मास का शुरू वाला अक्षर एम प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मीटर है, ये जो मीटर बीच वाला मीटर दिख रहा है आपको केजी के बाद मीटर, तो वो चूँकि एक लेंथ है ना, तो एम एल। उसके बाद ये देखिए एस, एस क्या है, एस फोर सेकेंड होता है ना टाइम, तो एम एल टी, और ये माइनस में ऊपर है, माइनस वन है, तो क्या हो गया एम एल टी माइनस वन। इस तरह से जो है ये आपका निकल गया यहाँ पर मोमेंटम का डायमेंशन एम एल टी माइनस वन। फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर थोड़ी सी परेशानी हो रही है हमको बोलने में, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ज़रूर ये समझ में आता होगा। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन मीन्स त्वरण, त्वरण को जो है हम लोग सिंबल ए से दर्शाते हैं, और त्वरण बराबर होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब देखिए फ्रेंड, चूँकि वेग, ये देखिए डेल्टा वी, यानी कि आपका जो है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी कि एम बाय एस स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड, चूँकि एम जो है अभी अभी आपने शुरू से बनाते हुए आ रहा है कि एम जो है इसमें क्या हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड, थोड़ी सी परेशानी है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड, थोड़ी सी बोलने में परेशानी हो रही थी हमको, तो फ्रेंड चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब देखिए वेग परिवर्तन की दर बटा समय है यहाँ पे, डेल्टा वी वेग परिवर्तन की दर बाय समय। अब देखिए वेग में परिवर्तन की दर, तो एक तरह से ये जो है एक जो है एक लेंथ ही तय होगा, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेग में परिवर्तन कर रही है तो निश्चित तौर पे वो कोई जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती होगी, तो वेग परिवर्तन की दर है यहाँ पे, जरूर निश्चित तौर पे एल आएगा, और एल अगर आता है फ्रेंड यहाँ पर तो एल, और नीचे क्या है डेल्टा टी, नीचे डेल्टा टी है यानी कि समय हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग एल, और एस स्क्वायर जो आपको नीचे दिख रहा है उसको हम लोग एस स्क्वायर पहले लिख देते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड ये एल है, उसके बाद ये जो एस है, एस का क्या होता है यानी एस समय है ना, एस क्या है समय, समय को क्या लिखते हैं हम लोग टी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा टी पे पावर टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एल, और इस टी पे पावर जो टू आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको अगर हम ऊपर करेंगे फ्रेंड तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टी पे पावर माइनस टू, यानी कि कहा जाए एल टी पर पावर माइनस टू, तो ये हो जाएगा एल टी पे पावर माइनस टू। अब यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे देखिए आप एम पे जीरो लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई द्रव्यमान है ही नहीं, यहाँ पे द्रव्यमान है ही नहीं, इसलिए एम पे पावर क्या लगा एम, एम जीरो इसको बोलेंगे, यानी हो जाएगा एम जीरो एल टी माइनस टू। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं फोर्स की ओर, फोर्स यानी कि बल आप सभी जानते हैं, इसको सूचित करते हैं हम एफ से, फोर्स को एफ से सूचित करते हैं, और फिर देखिए एफ बराबर होता है एम ए, यानी कि मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन जिसको कि हम लोग त्वरण कहते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होता है फ्रेंड वो न्यूटन होता है, आप इसे याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। और चूंकि यहाँ पे देखिए एम इंटू ए है, एम इंटू ए यानी मास इंटू त्वरण। अब देखिए एम जो है, अब डायरेक्ट हम लोग बीमा बनाते हैं फ्रेंड इसका, एम जो है यहाँ पर मास इंटू त्वरण, तो एम का क्या हो जाएगा केजी, और त्वरण का भी अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे एक्सलरेशन त्वरण था ना, इसका क्या होता है मीटर, इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर है तो केजी के लिए हम क्या लिखते हैं एम, उसके बाद ये मीटर है बीच में, मीटर है तो एक तरह का लेंथ है ना, तो एम एल, और ये एस जो है सेकंड आपको दिख रहा है, एस जो कि सेकंड है, सेकंड यानी कि क्या होता है टाइम होता है, सेकंड के लिए टी लिखते हैं तो टी पे पावर माइनस टू, तो क्या हो गया फाइनली एम एल टी पे पावर माइनस टू जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला एम एल टी माइनस
टू। तो ये फ्रेंड इस तरह से बनाए जाते हैं, बहुत ही आसान है, बस थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत है। उसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड इम्पल्स, जिसे हम आवेग कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी। ये देखिए यहाँ पे एफ इंटू टी यानी फोर्स इंटू टाइम। इसका एसआई यूनिट याद रखेंगे फ्रेंड न्यूटन सेकेंड होता है, इसका एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड। और फोर्स इंटू टी है फ्रेंड यहाँ पर फोर्स, फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स होता है बल ना, एम इंटू ए। अभी आपने देखा एफ गुना टी, एफ क्या होता है, एफ होता है एफ बराबर एम ए, और इधर क्या हो गया टी। अब देखिए इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे, एम ए का अभी आपने निकाला था ना फोर्स का, फोर्स का यहाँ पर निकाला हुआ था, अब उसे रखिए एम एल टी माइनस टू, और ये फोर्स का हो गया। अब यहाँ पे एक देखिए, ये तो एफ यानी एम ए फोर्स का हुआ, अब जो यहाँ पे ये टी एक्स्ट्रा है, इस टी को भी तो रखना होगा ना आपको, तो यहाँ पे टी रखेंगे। तो देखिए अब मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, एम एल, अब देखिए यहाँ पे एक टी है, ये टी पे पावर माइनस टू है, तो एम एल टी माइनस वन हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस वन जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड। तो इस तरह से आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं और डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो वर्क है, वर्क यानी कार्य, कार्य क्यों आते हैं, इसका सिंबल होता है फ्रेंड डब्लू, डब्लू फॉर वर्क होता है। इसका होता है एफ इंटू डी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ इंटू डी, और इसका एसआई यूनिट होता है फ्रेंड न्यूटन मीटर, इसको न्यूटन मीटर कहते हैं। और अभी आपने निकाला था न्यूटन के लिए क्या, यहाँ देखिए फ्रेंड, अभी आपने न्यूटन के लिए निकाला था ना एम एल टी माइनस टू, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है मीटर, मीटर लगा हुआ है ना, तो मीटर जो है एक क्या होता है लेंथ होता है, मीटर एक लेंथ होता है, अभी आप मैंने बताया है पहले आपको मीटर लेंथ होता है, लेंथ के लिए एल का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा एम। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये वाला एल और ये वाला एल, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी पे पावर, ये जो माइनस टू था वो तो रहेगा ही, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। आप फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका अभ्यास कीजिए, निश्चित तौर पे यूनिट एंड डायमेंशन से आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। और मैं फ्रेंड एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो जो है आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड एनर्जी का आप देखते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा, इसको के ई भी बोला जाता है या तो फिर यू बोला जाता है इसको सिंबल से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रेंड वो दो तरह की हम देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होती है, एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है उसको के ई कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को पी कहते हैं। ये रहा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पी ई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर जो आपको यहाँ दिख रहा है, और एनर्जी एम जी एच होता है, एम जी एच। अब देखिए फ्रेंड इसका जो है एनर्जी का जो एसआई यूनिट है आपका वो जूल होता है, एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल, चाहे वो किसी भी तरह की एनर्जी हो फ्रेंड, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, उसका यूनिट हमेशा जूल ही होगा। और इसका अगर हम बीमा निकालेंगे डायमेंशन, तो फ्रेंड आप कैसे निकाल सकते हैं बीमा इसका, तो देखिए एम एल इसको आप सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एम वी स्क्वायर यहाँ पे वी के बदले जो वी दिख रहा है, वी के बदले में आप एक वेलोसिटी यानी कि एक तरह का लेंथ हो जाएगा, तो एल का स्क्वायर यहाँ पे है आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो एम है फ्रेंड, ये वाला एम जो दिख रहा है आपको, ये एम आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो इसे आप निकाल लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फ्रेंड पावर है, नेक्स्ट है पावर। आप पावर को देखेंगे, पावर का संकेत क्या होता है, पावर को क्या हम लिखते हैं सांकेतिक रूप में पी, और इसका होता है वाट वट टाइम डब्लू बाय टी, और इसे जो है
हम लोग इसका इसका ऐसा यूनिट जो होता है वॉट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं शक्ति का मात्रक होता है वॉट, याद रखेंगे। और चूँकि डब्लू बाई टी है तो आप इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे डायमेंशन आपका निकल जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो फ्रेंड हम इसे निकाल के ही दिखाते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि P बराबर W बाई टी है। अब आपने अभी अभी निकाला था वर्क का, W को वर्क ही कहते हैं, वर्क का अभी अभी आपने निकाला था यहाँ पर, ये रहा वर्क। इसका आपने डायमेंशन क्या निकाला था? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये डायमेंशन आपने निकाला था। तो सबसे पहले आप उसको लिखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, वर्क का। और इसके नीचे क्या है यहाँ पे देखिए आप, इसको इसका निकाल रहे हैं W बाई टी है ना, तो आप नीचे आराम से T लिख सकते हैं। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए ये पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे T है ना M, ये L स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रह जाएगा एम एल स्क्वायर, और ये T पे पावर माइनस टू है, नीचे से जो ये T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T पे पावर माइनस थ्री। तो क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड, एम एल स्क्वायर T माइनस थ्री, जो कि आपको यहाँ पे दिख सकता है, ये रहा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं आसानी से। उसको देखिए फ्रेंड डेंसिटी यानी घनत्व, इसका जो है इसका सांकेतिक चिन्ह है डी, और डेंसिटी तो मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी यानी कि इसका जो एसआई मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। केजी के लिए फ्रेंड एम लिखेंगे और जो है ये पर है ना, तो नीचे लिखते हैं इसको मीटर क्यूब। तो अब क्या हो जाएगा एम, ये नीचे जो मीटर क्यूब, मीटर एक लेंथ होता है ना, मीटर क्या होता है लेंथ, मैंने शुरू में भी बताया था मीटर एक लेंथ है। मैंने बोला कि 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब कुछ लंबाई वो ट्रेवल किया, 0.1 सेकेंड भी डिस्टेंस सॉरी 0.1 मीटर भी अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वो एक डिस्टेंस हुआ, तो उसमें एक लेंथ आएगी, इसलिए हम बोलते हैं कि लेंथ आएगी। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड नीचे एम का क्यूब है, तो अगर एम का क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चूँकि ये लेंथ है तो एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एम एल माइनस थ्री टी पे पावर जीरो है, तो बात तो वही हुई फ्रेंड, क्योंकि इसमें टी जो है इसमें टी है ही नहीं, टी नहीं है तो टी पे पावर जीरो। इस तरह से जो है आप इस तरह से आप अपने से भी अब इसका डायमेंशन एसआई यूनिट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, डायमेंशन आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक दो बार अभ्यास कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि ये जो आज का वीडियो था यूनिट एंड डायमेंशन का, ये आपके समझ में आया होगा और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो फ्रेंड चूँकि ये हमारा नया चैनल है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बनने में टाइम लगता है, ये मैं भली बात ही जानता हूँ, हो सकता है कि थोड़ी सी मिस्टेक भी होती हो बोलने में वगैरह वगैरह जो भी है। तो फ्रेंड आप नॉलेज लें और अभ्यास करें। इसके अगले वीडियो में मैं इसी से जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेट्स बनाऊंगा जो आपके सामने मैं लाऊंगा जल्द ही। तो फ्रेंड आपका ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने के लिए मिलती ही रहेंगी। तो फ्रेंड अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, गुड बाय।